तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फूपर सीरीज के सेकंड एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में ल्यूक फिन बनके गायना में जाता है ताकि वो पांडा को बचा सके और जो बोरो के पास सूटकेस है उसे वापस लेके आ सके। तो वहां जाके फिन को पता चलता है कि पांडा उसकी बेटी एम्मा ही है। इसके बाद फिन और एम्मा मिलकर ट्रॉय को मार देते हैं, जिसका पता बोरो को चल जाता है और फिर वो बाप और बेटी दोनों को पकड़ लेते हैं। अब आगे एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में बोरो गुस्से में नजर आता है और वो फिन से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ, मैंने तुम पर भरोसा किया, कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो। इतने में बोरो विलियम की बेटी को अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि फिन तुम अपने बारे में सच सच बताओ, नहीं तो मैं इस लड़की को गोली से मार दूंगा। तब फिन बोलता है कि तुम बुजदिल हो, जैसे तुम्हारे पापा थे, वो मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था और मैंने उसे पहाड़ी से फेंक दिया। इतने में बैरी, एल्डोन और रू हेलीकॉप्टर के जरिए वहां आ जाते हैं और वो बोरो और उनके लोगों पर गोली चलाने लग जाते हैं, जिसमें बोरो के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बोरो बचकर वहां से निकल जाता है। इसके 2 दिन बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें CIA की डायरेक्टर एम्मा और ल्यूक से बात करती है कि वो साथ में काम करें बोरो को पकड़ने के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते। फिर एक सीन आता है जिसमें ल्यूक बेरी के पास होता है और वो डोनी के वाईफाई को हैक करके डोनी पर नजर रखता है, वो कौन है और वो क्या करता है। डोनी जो कि ल्यूक की एक्स वाइफ टेली का बॉयफ्रेंड है, तो डोनी गाना गा रहा होता है और साथ में कुछ खाना खा रहा होता है, तभी खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाता है तो डोनी उसे उठाकर वापस खा लेता है, जिसे देखने के बाद ल्यूक को काफी गुस्सा आता है। फिर डोनी को ल्यूक के बेटे ऑस्कर का फोन आता है, तब डोनी ऑस्कर के बनाए हुए ऐप में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तब ल्यूक बेरी से बोलता है कि वो ये सब टेली के और पास जाने के लिए कर रहा है। इसके बाद डोनी ऑस्कर से बोलता है कि ठीक है, आज रात को डिनर पर मिलते हैं। फिर एक सीन आता है जिसमें एम्मा और कार्टर एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। कार्टर एम्मा का बॉयफ्रेंड है जो कि एक टीचर है और वो एम्मा के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाकर लाया था। कार्टर एम्मा को बोलता है कि इस बॉल को फनल में डालो, फिर वो बॉल उस मॉडल में चलती है और लास्ट में कार्टर और एम्मा की फोटो का फ्लैग ऊपर आ जाता है, जिससे एम्मा खुश हो जाती है और वो उसे किस कर लेती है। इतने में एम्मा को हेडक्वार्टर से फोन आता है और वो वहां पर चली जाती है। फिर एम्मा, ल्यूक और बेरी CIA ऑफिस में आ जाते हैं मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो रूम में आने के बाद ल्यूक और एम्मा सीट के लिए आपस में बहस करने लग जाते हैं। एम्मा बोलती है ये सीट मेरी है और यही बात ल्यूक बोलता है कि ये सीट मेरी है। इतने में CIA की डायरेक्टर आ जाती है, वो सबको बैठने के लिए बोलती है, तब ल्यूक दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर बाद में एम्मा की सीट नीचे हो जाती है, फिर एम्मा उसे पंप करने लग जाती है, तब ल्यूक उसकी मदद करता है तो वो पंप टूट जाता है। इसके बाद वो मीटिंग में बात करते हैं कि बोरो बच के भाग निकला, तो हो सकता है वो उस डिवाइस को दोबारा बनाने की कोशिश करे। फिर डायरेक्टर बोलती है कि रू के मुताबिक वो ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया में हो सकता है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट है जिसकी वजह से बोरो उस डिवाइस को वापस बना सकता है। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन डायरेक्टर एम्मा और ल्यूक को रुकने के लिए कहती है। तब एम्मा डायरेक्टर से बोलती है कि आप मेरा केस मेरे पापा से लीड नहीं करवा सकते। तब ल्यूक बोलता है कि मैं पिछले 40 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। तब डायरेक्टर बोलती है कि तुम्हारे पापा ल्यूक के पास ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस है, ये अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। तब एम्मा बोलती है कि मुझे ये एक बच्चा समझते हैं, तो डायरेक्टर बोलती है कि इसीलिए हमने आप दोनों के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है जिसका नाम लुइस है, ये तुम दोनों के साथ काम करेंगे, मिशन के दौरान ये आप दोनों के जॉइंट थेरेपी सेशन लेते रहेंगे। फिर रात को ल्यूक की वाइफ टेली के घर पर फैमिली डिनर चल रहा था, तभी वहां पर ल्यूक और बेरी आ जाते हैं। तब टेली बोलती है कि तुम यहां पर क्या करने आए हो, तो ल्यूक बोलता है कि मैं टेबल लेने आया हूं। इसके बाद डोनी जो कि टेली का बॉयफ्रेंड है वो बोलता है कि बेरी मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। तब ल्यूक बोलता है कि बेरी का भी हार्ट का इलाज चल रहा है और ये इसे मार देगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे घर के पास में एक भिखारी बैठा रहता है, उसे मैं ये खिला दूंगा। फिर ल्यूक और बेरी अपने साथ टेबल ले जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। ल्यूक उन कपकेक्स को फेंक देता है। इसके बाद ल्यूक बेरी से बोलता है कि तुम डोनी की कार पर एक ट्रैकर लगा दो, तो बेरी बोलता है कि मैं तो साला एक खिलौना ही बन गया हूँ।
इसके बाद एक सीन आता है जिसमें लुईस एम्मा और ल्यूक का थेरेपी सेशन लेता है। वो दोनों को एक जैकेट पहनने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि एक दूसरे के गले मिलो, लेकिन एम्मा और ल्यूक एक दूसरे के गले नहीं मिल पाते। तब लुईस बोलता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैकेट है जो तुम्हें मिलने से दूर कर रही है। फिर लुईस जैकेट पर लगे बटन को प्रेस करने के लिए कहता है, जिससे बाप और बेटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद लुईस बोलता है कि तुम्हें रोज 10 मिनट ये जैकेट पहननी होगी। इतने में एम्मा को टीना का मैसेज आता है और वो मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तब डायरेक्टर बोलती है कि पता चला है बोरो सेंट्रल एशिया गया है। इसके बाद टीना बोलती है कि हमारे एक सोर्स ने केन खान को देखा है, वो कजाकिस्तान में है, वहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट बुलेट ट्रेन जाने वाली है। तब एल्डोन बोलता है कि बोरो के लोगों को चोरी करनी होगी, लेकिन वो 150 किलोमीटर तेज रफ्तार वाली ट्रेन पर चढ़ेंगे कैसे। तब एम्मा बोलती है कि वो ट्रेन को रोक कर टैंकर ट्रक में से न्यूक्लियर वेस्ट को खींच कर वहाँ से भाग सकते हैं। तब डायरेक्टर बोलती है कि इसलिए हम उस अनहोनी को रोकने के लिए ल्यूक और एम्मा को पैसेंजर बनाकर उस ट्रेन में भेजने वाले हैं। शायद ट्रेन में कोई बोरो का आदमी होगा, वो इमरजेंसी के तौर पर ट्रेन को रोकेगा। फिर सभी टीम के मेंबर अपनी आईडी बदलकर ट्रेन में चले जाते हैं। तब एम्मा बोलती है कि वो जो सैंडविच खा रहा है, मुझे लगता है वो बोरो का आदमी है। तब ल्यूक बोलता है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। इसके बाद एल्डोन और रू जो ट्रेन को कंट्रोल कर रहा था उसके पास चले जाते हैं। तब एल्डोन बोलता है कि हम यूएस पुलिस के साथ हैं, हमें बस जांच करके रिपोर्ट भेजनी है। तुम ये सोचो कि हम यहाँ पर है ही नहीं, बस ट्रेन टाइम से चले, ये ध्यान रखना। इसके बाद बेरी बोलता है कि तुम लोग पहाड़ियों पर पहुंचने वाले हो, अब गेम शुरू होने वाला है। तब ल्यूक बोलता है कि लेकिन ट्रेन रुक क्यों नहीं रही। फिर एम्मा और ल्यूक को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। तब ल्यूक बोलता है कि वो चॉपर से ट्रेन पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद एम्मा बोलती है कि वो सैंडविच वाला कहाँ चला गया। तब ल्यूक बोलता है कि सबको झुकने और खिड़की से दूर रहने के लिए बोलो। फिर ल्यूक ट्रेन की सीढ़ी पर चढ़ जाता है और उस आदमी पर गोली चलाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो ट्रेन के शीशे से टकरा जाता है। ये देखने के बाद लोग काफी डर जाते हैं। फिर ल्यूक वापस नीचे आ जाता है। वो एम्मा से बोलता है कि हेलीकॉप्टर टैंकर से जुड़ा हुआ है और वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद टीना बोलती है कि मैंने अभी हिसाब लगाया है, वो लोग अगले 12 मिनट में वो सारा न्यूक्लियर वेस्ट टैंक से खींच कर निकाल लेंगे। तब एम्मा बोलती है कि मैं जा रही हूँ उस हेलीकॉप्टर को गिराने। इस पर टीना बोलती है कि आगे ट्रेन अनाज के खेतों से गुजरने वाली है, अगर उस हेलीकॉप्टर को गिराया तो मीलों तक वो न्यूक्लियर वेस्ट फैल जाएगा और सैकड़ों सालों तक वो जमीन जहरीली हो जाएगी। तब ल्यूक और एम्मा बात करते हैं कि ट्रेन की स्पीड और तेज करी तो उन्हें हेलीकॉप्टर को अलग करना होगा, वरना कंट्रोल छूटते ही वो मारे जाएंगे। फिर एम्मा और ल्यूक कंडक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ल्यूक उसे ट्रेन की स्पीड तेज करने को कहता है, लेकिन कंडक्टर इस बात को मानता नहीं। फिर एम्मा की नजर एक च्युइंगम पर जाती है तो एम्मा बोलती है कि क्या वो च्युइंगम तुम मुझे लाकर दोगे। इतने में कंडक्टर गन निकाल लेता है, तभी एम्मा और ल्यूक उसे मारने लग जाते हैं और एम्मा उससे वो गन छीन लेती है। इसके बाद एल्डोन और रू एक आदमी से बोलते हैं कि आपकी मदद चाहिए। तब ट्रेन को कंट्रोल करने वाला आदमी बोलता है कि अभी मदद नहीं हो सकती और मेरी कंडक्टर से भी बात नहीं हो रही। तो एल्डोन बोलता है कि वो कंडक्टर एक टेररिस्ट है। ट्रेन में दो अमेरिकन इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने उसको ठिकाने लगाया है। ट्रेन पर हमला हुआ है तो उस ट्रेन को बचाने का यही तरीका है कि उसकी रफ्तार तेज करो। तब वो आदमी बोलता है कि यहाँ से उस ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ती, यहाँ बस पावर ऑन या ऑफ होती है। उनको कहो बड़े से लाल बटन वाला पैनल है जिसके साइड में चाबी लगी हुई है। तो ल्यूक बोलता है कि वो टूट चुका है। तब टीना बोलती है कि हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैग्लीव सुपर कोल्ड मैग्नेट पर दौड़ती है, मैग्नेट जितना ठंडा होगा स्पीड उतनी ही तेज होगी। तभी एम्मा को उसकी मॉम का फोन आता है और वो बोलती है कि कार्टर का फोन आया था, वो बहुत उदास है, वो तुम्हारे साथ टाइम बिताने का प्लान बना रहा था और तुम उसे छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर चली गई, तुम वो मत करना जो मैंने और तुम्हारे पापा ने किया। इसके बाद ल्यूक बेरी से बोलता है कि मुझे डोनी की अपडेट चाहिए। तो बेरी जैसे ही उसके लैपटॉप के कैमरे से उसको देखता है तो उसे वाइग्रा दिखाई देती है। तो बेरी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। इसके साथ ही ल्यूक ट्रेन के फ्लोर पैनल को खोल रहा था। तब बेरी बोलता है चार, तो ल्यूक उन चारों कूलेंट वॉल्व्स को घुमा देता है
और बोलता है कि मैंने चारों खोल दिए। तो एल्डोन बोलता है कि तुमने चारों क्यों खोल दिए। इस पर ल्यूक बोलता है कि किसी ने चार कहा। तब बैरी बोलता है कि मैं डोनी की बात कर रहा था, उसने चार वाइग्रा खा ली। तब एमा ल्यूक से बोलती है कि मुझे पता था आप डोनी के पीछे हैं। तब ल्यूक बोलता है कि काम हो गया, चॉपर खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया, यानी ट्रेन की स्पीड तेज होने के कारण बोरो के लोग अपने हेलीकॉप्टर को वहां से ले जाते हैं। तब टीना बोलती है कि लेकिन उन्हें बॉम्ब बनाने लायक मटेरियल मिल गया होगा। तभी मैग्नेट्स ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और ट्रेन की स्पीड और तेज हो जाती है। तब वो आदमी बोलता है कि जब ट्रेन डेपो पहुंचेगी तो ट्रेन पर सवार लोगों के साथ आधा शहर भी मारा जाएगा। तो एमा बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, आपने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना दिया। और इसी के साथ ही सीरीज का दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के तीसरे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।